को इम्प्रेस करना है. सो दिस इज अ वेरी क्विक वर्जन एंड इसके लिए कोई बहुत ज्यादा चीजें जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं. इससे पहले कि हम ये शुरुआत करें इस टॉपिक की, आप देख लीजिए कि इसके लिए क्या क्या चाहिए और क्या क्या क्वांटिटीज में चाहिए. स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक इन मार्टिनी ग्लासेस बनाने के लिए हमें चाहिए 10 स्ट्रॉबेरी, 1 कप क्रीम, 2 बड़ी चम्मच स्ट्रॉबेरी प्यूरे, 2 बड़ी चम्मच मास्कारपोन चीज, आधा कप पिसा बिस्किट, आधा कप चॉकलेट, 10 ग्राम सजाने का सामान. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो स्ट्रॉबेरीज हैं थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी चॉप करेंगे. मोनिका आप मेरा थोड़ा हेल्प करेंगे. हम क्या करेंगे, हमारे पास ये मार्टिनी ग्लासेस है जिनके हम अंदर ये डिजर्ट बनाना शुरू करेंगे. तो मार्टिनी ग्लासेस का जो बेस है, कलर डिफरेंस देने के लिए और टेक्सचर डिफरेंस देने के लिए, इसके नीचे बेस में थोड़ा सा बिस्किट डालेंगे. तो अगर आप थोड़ा सा बिस्किट इन द बेस इन चारों में डाल दें तो बहुत अच्छा होगा. तब तक मैं ये स्ट्रॉबेरी चॉप कर रही हूँ. जस्ट पुट वन मोर स्पून, यू कैन पुट अ होल स्पून इन दैट एंड देन जस्ट क्रैक इट, इसको फ्लैट कर. सो यू कैन गो विद वन स्पून ईच. And हमें स्ट्रॉबेरीज को, we don't need to follow any technique or tradition or anything like that. No particular shape, because ये अंदर जा रही है. You just have to make sure कि they are chopped small. हम क्या करेंगे, ये मेरे पास थोड़ी सी मेजर चॉकलेट है. ओके, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी गार्निश सबसे पहले रेडी कर रही हूँ. गार्निश के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं स्ट्रॉबेरी ले रही हूँ और मैं ये चॉकलेट को पकड़ के उसके अंदर मैं ये चॉकलेट डिप कर रही हूँ और जितनी भी एक्सेस चॉकलेट है वो मैं निकाल रही हूँ. ऐसे करके छोड़ रही हूँ. हाफ कवर स्ट्रॉबेरीज है ये मैं एक प्लेट में ले रही हूँ. एंड बिकॉज वैलेंटाइन डे है तो हम चाहे तो इसके ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर ये दो हाफ लगा रही हूँ. ओके, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रॉबेरी को हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे जिससे कि ये चॉकलेट सेट हो जाए. हमने चॉकलेट वाली स्ट्रॉबेरी फ्रिज में रख दी है, वो जब तक सेट हो रही है. हमारे पास थोड़ी विप क्रीम है, हम एक अच्छी सी क्रीम बनाएंगे अगर आप मेरी हेल्प करेंगे. जस्ट स्टार्ट विपिंग द क्रीम. मीनवाइल व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ मास्कारपोन चीज, और वो नहीं है तो हंग कर्ड, अगर हंग कर्ड नहीं है तो कॉटेज चीज, और उसके अंदर में थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश डाल दूँ जिससे कि आई एम ऑल्सो गिविंग इट दैट पिंक कलर. आई पुट अराउंड 4 टेबल स्पून इन देयर. Just give this sort of like a red pink color, and then what I'm going to do is, ये आपने थोड़ा सा जो क्रीम डिप करा है, अब मैं थोड़ा सा ये डिप क्रीम इसके अंदर डालूंगी. Okay. And then I will whip this whole mixture. And this whole mixture will be pink. Yeah, it will become pink in color. Now I'll whisk this. And I'm keeping it chantilly-like texture, which means बहुत soft peak में. It's not very hard. हार्ड टिक नहीं चाहिए. एंड हम क्या करेंगे, एंड योर डिजर्ट इज वेरी सिंपल. यू टेक दीज ग्लासेस, वी विल अनदर थिंग दैट आई डू इज लास्ट मिनट, कई बार यू वॉन्ट यू कैन एड अ लिटिल बिट ऑफ क्रश बट प्लीज डोंट मिक्स इट पूरा, गिव दैट मार्बल रिपल मार्बल इफेक्ट. या सो आई एम जस्ट गोना लीव इट लाइक दिस, वेरी सिंपल. आई टेक अ स्पूनफुल ऑफ ईच. Put it on the biscuit. So the colors look very pretty with the, you know, the if you mix the, yeah, the marble effect looks very nice. Now what's happened is we have bottom a crunchy sa biscuit, right. Then we have a very soft smooth cream with a bit of cheese, and then we add hum skin with our strawberry, and then we press them a little bit. Again the same thing, we will take the same cream. Put it on top and cover these strawberries. And that's it. Yes, it's pretty much ready. It's not completely done, but yes, quite ready. So what I'm going to do is I'm just going to put some silver balls around here. And what I'm going to do is, हमने जो strawberries बनाई थी, हम वो strawberries जम गई होंगी, तब हम वो फिर से निकाल के लेकर आएंगे. So all you have to do is just pull these strawberries out, okay, and put them as garnishes. Now, look at the hearts. We can put more hearts here also. Yeah, we can totally put more hearts depending on, if we want we can go with some pink, some red ones, but we'll just try to put some small ones around. Okay.
Alright, so the dessert is done. Cheers to that. So now you can chill your dessert and have it. स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक इन मार्टिनी ग्लासेस बनाने के लिए मार्टिनी ग्लास में एक चम्मच बिस्किट का चूरा डालें, चार स्ट्रॉबेरी को पिघली चॉकलेट में कोट करें, उस पर सजावट के लिए चीनी के बने दिल लगाकर फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। एक बर्तन में मास्कारपोन चीज लें, इसमें स्ट्रॉबेरी प्यूरी और क्रीम मिलाएं। क्रीम के इस मिक्सचर को ग्लास में डालें, इसमें कटी स्ट्रॉबेरी डालें और ऊपर से चॉकलेट वाली स्ट्रॉबेरी रख दें। सिल्वर डॉट से सजाकर इसे ठंडा या गर्म जैसा आप चाहें वैसा सर्व करें। बाप बनने का लाइसेंस है सर? सर हो गया, बन गया सर, मैं बाप बन गया। कल रात लड़की हुई है, मुंह मीठा कीजिए। लड्डू बांटने से कोई बाप नहीं बन जाता है। कोई भी नई रिस्पांसिबिलिटी शुरू करने से पहले फैमिली के भविष्य को सिक्योर करना बाप का फर्ज बनता है यार। आईसी नहीं, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, जीने का लाइसेंस, बाप बनने का लाइसेंस। ऑटोग्राफ उधर जी, लड्डू इधर। दोस्त बढ़ुए जमी हस्त हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्त। इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ, इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस। जम्मू एंड कश्मीर, इनक्रेडिबल इंडिया। तुझे के लिए कुछ जोड़ियां अटूट होती हैं, जैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर UPS और एमटेक पावर इन्वर्टर ट्यूबुलर बैटरी। ये किस प्यारी ही बात तुम्हें हो बेफिक्री की हालत है यारा, बड़ी मजबूत बाहों में हो सूरज की हरारत है। तुम्हारे बात से तूफान सहले मुस्कुराओ तुम, जियो हर लम्हा तुमको जिंदगी पीने की आदत है यारा। अपनी हिफाजत बजाज आलियांज पे सौंप कर जियो निडर, जियो बेफिकर। वैलेंटाइंस के लिए कुछ स्पेशल हम बना रहे हैं, कुछ ऐसा जो फटाफट से बन जाता है, जिसके लिए आपको कोई मास्टर शेफ या एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। और आप हेल्प करने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे हैं किशी। किशी अब क्या बन रहा है? हम बना रहे हैं क्विक कपकेक। आजकल कपकेक का ये फैशन है, बिकम ऑलमोस्ट लाइक अ स्टेटस एंड इवन अ फैड, कपकेक का न्यू इन थिंग। तो वी नो कि लोगों के पास टाइम नहीं होता है, वी नो ऑफिस से आ रहे हैं, बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, घर जाके बहुत क्विकली कर सकते हैं। अपन बाजार से कपकेक लेके आने हम बाहर से आए तो कपकेक लेकर आ सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इट्स बी वेरी सिंपल, इट हैज बेसिक इंग्रेडिएंट्स लाइक फ्लावर, एग, वाटर, ऑयल एंड लेते हैं। उसके बाद आपने उसको बेक करना है, इफ यू डोंट हैव एनफ, देन यू आर इन अ बिट ऑफ अ जिट्टी, टाइम नहीं है, वैलेंटाइन डे से पहले यू वांट टू हैव कपकेक, बट यू वांट टू खुद बनाने में डिफरेंट आर्ट है, समथिंग नाइस अबाउट इट। तो बाजार करके कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, या बेसिक प्लेन काफी खा सकते हैं, लेकिन योर ओन वर्जन से यू प्लस यू आर पर्सन ऑल्सो एंड यू मेड इट ऑल्सो प्लस यू आर फॉर ऑल द एफर्ट ऑल्सो एंड आपने अपना प्यार भी जताया, अपना प्यार भी जताया। चलिए तो ये वैलेंटाइन स्टाइल कपकेक्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। ऑरेंज क्रीम कपकेक्स बनाने के लिए मैं चाहिए 12 कपकेक्स, 2 बड़ी चम्मच मैस्कारपोन चीज,
आधी बड़ी चम्मच ऑरेंज कॉम्पोट, एक कप क्रीम, दो बड़ी चम्मच चॉकलेट स्प्रिंकल्स, आधा कप संतरे का जूस और एक संतरा। तो हमने क्या करा है, मैंने ये दो वर्जन खरीदे हैं, चाहे तो जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। मैंने वनीला एंड चॉकलेट दोनों खरीदे हैं। आप जैसे आपको जो अंदर बेस है पसंद है वो ले सकते हैं। मैं क्या करूंगी, मैं ये मफिन्स को हल्का सा काट देती हूँ थोड़ा सा ऊपर से, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक श्योर की इनका टॉप फ्लैट है। सो ये मैंने कपकेक्स ऊपर से काट दिए हैं। मैं जो फ्लेवर बना रही हूँ है चॉकलेट ऑरेंज, ये फ्रेश ऑरेंज जूस है। सो यू कैन जस्ट टेक सम ऑरेंज जूस एंड जस्ट soak them. वेन यू बाइट इन टू इट ऑल्सो देर सम फ्लेवर। यू सीन की एक राउंड के अंदर ये सोक हो चुका है, सो वी जस्ट डू दिस टू टाइम्स सो दैट इट इज इनफ मॉइस्चर। नाउ वी गोना मेक अ क्रीम जो हम इसके ऊपर पाइप करेंगे, विच इज वेरी इजी, सेम थिंग एज लास्ट टाइम। इफ यू वॉन्ट वी कैन गो विद मैस्टरपोन और वी कैन गो विद चीज और हंकर्ड और इवन फॉर दैट रीजन कॉटेज चीज, पनीर को ड्राई करके आप ले सकते हैं। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, इसको मैंने थोड़ा सा प्रेस करा है और इसके अंदर में एक अच्छा सा टेस्ट डालने के लिए आई एम गोना टेक अ फ्रेश ऑरेंज, माल्टा आता है, वी टेक दैट एंड आई एम जस्ट गोना पुट सम ऑफ दिस ज़ेस्ट इन देयर। इससे बहुत एक यू नो सिट्रस टैंगी फील आता है, प्लस इट्स द टेक्सचर इज वेरी नाइस। सो नहीं कड़वा नहीं होता क्योंकि हम इसके अंदर अभी क्रीम डालेंगे। नाउ इन दिस वील एड सम व्हिप्ड क्रीम, अगर आप थोड़ा सा मेरे लिए क्रीम व्हिप करेंगे। हमें इसको सॉफ्ट स्टिक करने की जरूरत है सो दैट इट होल्ड्स द शेप एंड दी पाइप। थोड़ा सा आप ये मैं आपको देख रही हूँ, आप मिक्स करिए नाल पुट द क्रीम। So if you see, it's become soft peak, ये अपनी shape hold कर रहा है। This is the perfect what we're looking for. इसके बाद वो set करेंगे तो वो set हो जाएगा। अच्छे से shape आ जाएगी। We'll take some whipped cream. Okay. We'll mix them now. And चाहे तो orange color डाल सकते हैं, but I think the natural color, again as I said, I quite like the natural color. It's very nice. इट लुक वेरी नाइस समथिंग लाइक अ ब्राउन और व्हाइट, और इसके बाद जब हम डेकोरेशन करेंगे तो इट विल लुक मोर प्रिटी। मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक पाइपिंग बैग लिया है, आप चाहें तो यू नो जो प्लॉक बैग्स होते हैं वो ले सकते हैं या पार्चमेंट पेपर ले सकते हैं। पाइपिंग बैग में आई एम गोइंग टू टेक लाइक दिस एंड बेसिक बीच में से स्टार्ट करने के बाद ऑल आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट पाइपिंग इट लाइक दिस। आप चाहें तो ऐसे वाला पैटर्न भी बना सकते हैं, आप चाहें तो जो बाहर साइड वाला पैटर्न है वो बना सकते हैं। सो यू जस्ट, अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है यू कैन ऑलवेज टेक अ स्पून। इसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, हमारे पास हर किसी के पास घर में ऑरेंज मार्मलेड होता है, टेक्सचर देने के लिए आई विल एड अ लिटिल बिट ऑफ ऑरेंज मार्मलेड। और अगर नहीं है तो इट्स वेरी इजी, बचे हुए संतरे हैं जिस कट यू नो पीसेज में काट के कोक इट विद शुगर। या मेरे पास ये थोड़े चॉकलेट के स्प्रिंकल्स हैं, हम जो सी रहे हैं दोस्त। यू कैन सी देम इन डिफरेंट कलर्स आल्सो। यस, यू कैन सी देम इन डिफरेंट कलर्स आल्सो एंड आई लव दीस सिल्वर बॉल्स बिकॉज़ दे ऐड कलर, दे आर ब्यूटीफुल फॉर पार्टीज, यू नो किड्स पार्टीज, टू वैलेंटाइन, आई मीन इट्स नॉट जस्ट अ वैलेंटाइन। मैंने लेटली मार्केट में ये कई बार ये ऑरेंज एंड लेमन कैंडीज देखी हैं जो मिलती हैं, सो या जूजू, सो आई एम जस्ट यूजिंग दोस एज गार्निशेस टू। बट द कपकेक्स आर रेडी, इसको भी हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। हम चाहे तो इसे चिल कर सकते हैं, बट यू नो कपकेक्स आर बेस्ट इन टेंपरेचर बिकॉज देन दे आर सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। गॉर्जियस लुकिंग कपकेक्स तैयार हैं, रियली टेम्पटिंग एंड कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे आपने देखा वेरी इजी। तो आप बनाइए अपने वैलेंटाइन के लिए, उसे इंप्रेस कीजिए, कपकेक्स लेके आइए एंड एवरीथिंग एल्स इज वेरी इजी अवेलेबल। तो ट्राई दिस, और अगर कोई डिसएडवांटेज हो गया तो इसका भी पता है क्या, और उसके बाद हमारी न्यूट्रिशन से मिलेंगे। ऑरेंज क्रीम कपकेक्स बनाने के लिए कपकेक्स को ऊपर से काट कर संतरे का जूस लगाएं। एक बर्तन में मैस्कारपोन चीज, ऑरेंज जेस्ट और क्रीम मिलाएं। क्रीम के इस तैयार मिक्सचर को पाइपिंग बैग में भरें। इस पाइपिंग बैग से कपकेक पर मनचाहे डिजाइन में क्रीम लगाएं, ऊपर से चॉकलेट स्प्रिंकल्स डालकर सर्व करें। पहले बढ़िया और इजी सी वैलेंटाइन रेसिपीज तो हो गई,
अब वक्त है कुछ हेल्थ टॉक का, तो चलते हैं, मिलते हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट संध्या से। Hi, I'm Sandhya. With the wedding season around, we all want to look good and fit. So, आइए बात करते हैं कुछ टिप्स को लेके with regard to healthy skin, hair and body. शुरुआत करते हैं with a healthy skin. Skin जो है is a true reflection of what we eat and what we are. हमें चाहिए हमारी जो diet होनी चाहिए that should be well balanced and overall healthy. Incorporate करें large variety of fruits, vegetables and take plenty of fluids. आपको चाहिए आप ले सकते हैं होल ग्रेन, पल्सेस, एग, फिश, मशरूम, आलमंड एंड सनफ्लावर सीड जैसी चीजें। अवॉइड करें फ्राइड एंड फैटी फूड अलॉन्ग विद शुगरी प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं हेल्दी हेयर के बारे में। हेयर जो है वे आर प्रोटीनियस इन नेचर, तो प्रोटीन के अलावा आपको चाहिए आप लें वाइटामिन ए, बी, सी एंड ई, जो पाए जाते हैं सभी तरह के येलो एंड ऑरेंज कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स। इसके अलावा आप ले सकते हैं फैटी फिश, फिश ऑयल, सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल जैसी चीजें। रेगुलरली अपने बालों को वॉश करें, ऑयल मसाज और स्टीम करें, विल ऑल्सो इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। कमिंग टू हेल्दी बॉडी, इसके लिए आपको चाहिए कि आप कट डाउन करें सभी तरह के फ्राइड एंड फैटी फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड प्रोडक्ट जो मैदा से बने होते हैं, सॉल्टेड स्नैक्स। इसके अलावा आपने लार्ज वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। ले स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, डिनर जो है शुड बी द लाइटेस्ट एंड ट्राई एंड टेक इट अर्ली। अगर आप पार्टी या शादी में जा रहे हैं तो ट्राई एंड टेक अ स्मॉल स्नैक और अ फ्रूट बिफोर यू स्टेप आउट, दैट विल हेल्प यू टू प्रिवेंट बिंजिंग ऑन फूड। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंटेड विद अ गुड फिजिकल वर्कआउट। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस इज द की फॉर अ ग्लोइंग स्किन, ग्लोइंग हेयर एंड अ हेल्दी बॉडी। Making these chatbot and very delicious desserts is surely an easy way to impress your valentine. Zyada time bhi nahi laga, zyada paise bhi nahi, aur aap apni creativity ke sath sath isme apna pyar aur apna thoda sa touch dal ke apne valentine ko impress kar sakte hain. और साथ ही आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी कोई सवाल है जो आप हमारी न्यूट्रिशन से पूछना चाहें या फिर कोई रेसिपी या सुझाव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, तो आप लॉग इन कर सकते हैं spicy.com/weightchef पर और पोस्ट कर सकते हैं अपने सवाल, सुझाव या फिर रेसिपी। आपकी भेजी हुई रेसिपीज में से बेस्ट रेसिपी को मिलेगा गिफ्ट हैम्पर्स दी बिजनेस की तरफ से। आप चाहें तो हमें SMS भी कर सकते हैं शेफ लिखिए स्पेसी अपना नाम लिखिए लिखिए अपना पता और भेज दीजिए 57575 पर। इस बार की विनर रही पारुल जैन फ्रॉम देहरादून और उनकी रेसिपी का नाम है चना दाल सब्जी पुलाव। पारुल जी आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको आपका गिफ्ट हैम्पर जल्दी मिल जाएगा। और अगर आप ग्रेट शेफ के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जी बिजनेस की कम्युनिटी पे जाइए और ग्रेट शेफ के पेज पे लॉग इन कीजिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत ताकि मैं आपके लिए फिर रेसिपीज लेकर आ सकूं। तब तक के आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा एंड हैप्पी वैलेंटाइन। और ये है मेरे हीरो की कहानी, वो हीरो जिसने सारे खर्चे संभाल लिए ताकि मैं रिया को संभाल सकूं और हमें सुरक्षित रखने का वादा सिर्फ किया ही नहीं, निभाया भी। हर साल ICICI Lombard Health Insurance 50 लाख से अधिक क्लेम्स निभाता है। ICICI Lombard Health Insurance, पूरे परिवार की पूरी सुरक्षा। कॉल करें 1-800-266 पर। पिक्चर इतनी साफ लगे मूवी टीवी पे नहीं घर में चल रही हो। एयरटेल डिजिटल टीवी HD, दिल जो चाहे पास लाए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आपका स्वागत है, कृपया अपने स्थान पर बने रहें। ऊपरी सामान कक्ष को खोलते समय सावधानी बरतें। आशा है आपकी यात्रा सुखद रही, धन्यवाद। क्योंकि हम तो हमेशा जल्दी में हैं, इसलिए पाइए सुपरफास्ट वायरलेस ब्रॉडबैंड रिलायंस नेट कनेक्ट पर। अब हैवी फाइल अपलोड, ट्रांजैक्शन, वीडियो चैट और बहुत कुछ, सब होगा सुपरफास्ट।
कुछ जोड़ियां अटूट होती हैं, जैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर UPS और एमटेक पावर इन्वर्टर ट्यूबुलर बैटरी। ReU लव फॉर द नेशन इनिशिएटिव प्रेजेंटेड बाय रूट्स टू रूट। देश है तो हम हैं, देश है तो सब कुछ है। आपका पहला प्यार भी हिंदुस्तान ही होगा। जाहिर कीजिए अपनी मोहब्बत का पैगाम मेरे साथ। इस वैलेंटाइन इजहार कीजिए अपना प्यार देश के नाम शफकत अमानत अली खान और इंडियन पॉप सिंगर काबुल के साथ। SMS करें जी न्यूज स्पेस अपना मैसेज और भेज दीजिए 57575 पर। चुनिंदा मैसेज को दिए जाएंगे लव फॉर द नेशन कॉन्सेप्ट के पास। प्रेजेंटेड बाय रूट्स टू रूट। बाजार में गिरावट के बीच सेबी को मंदिरों की साठ गांठ पर 25 कंपनियों के बारे में एक्सचेंज से मांगी जानकारी। देवास एंट्रिक्स डील को रद्द करने की तैयारी, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति 9 मार्च को करेगी फैसला, एंट्रिक्स का बदल सकता है चेयरमैन। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विदेश मंत्री से हुई बड़ी भूल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहस के दौरान विदेश मंत्री 3.5 मिनट तक पढ़ते रहे पुर्तगाल के विदेश मंत्री का भाषण। रिकवरी की दौड़ में सबसे आगे रहने वाले सेक्टर्स में से एक FMCG सेक्टर में अभी भी चिंताएं बरकरार, वित्त मंत्री से बजट में कई रियायतों की रखी होंगी। और विश्व कप की जंग से पहले आज धोनी की होगी पहली परीक्षा, प्रैक्टिस मैच में ऑस्ट्रेलिया से होगा सामना। नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है, मैं हूं दीपाली। मार्केट रेगुलेटर सेबी को स्टॉक मार्केट की गिरावट में मंडियों पर शक है। सेबी को शक है कि बाजार को गिराने में मंडियों के समूह का हाथ है। शक की सुई 25 फर्मों पर है, जिसमें ब्रोकरेज फर्म, FIIs और म्यूचुअल फंड शामिल हैं। सेबी ने इस बारे में स्टॉक एक्सचेंजों से जानकारी मांगी है। सेबी ने पिछले 3 महीनों में प्रभावित कंपनियों के ट्रेडिंग पैटर्न पर जानकारी देने को कहा है। मंडियों पर 100 से ज्यादा कंपनियों के शेयर गिराने का शक है, इनमें ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां शामिल हैं। 5 नवंबर के बाद से सेंसेक्स में करीब 15% की गिरावट दर्ज हो चुकी है। सेंसेक्स 21,004 के स्तर से करीब 3,000 अंक नीचे आ चुका है। और आरोपों में गिरी देवास एंट्रिक्स डील पर आखिरी फैसला 9 मार्च तक आ सकता है। ये फैसला सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति करेगी। शनिवार को हुई बैठक में ये फैसला किया गया। वहीं देवास मल्टीमीडिया के साथ एफ बैंक स्पेक्ट्रम डील के बाद एंट्रिक्स में रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रीस्ट्रक्चरिंग के तहत एंट्रिक्स के मौजूदा चेयरमैन को बदला जा सकता है। इसरो ने एंट्रिक्स के लिए नया चेयरमैन ढूंढने के लिए एक सर्च कमेटी का गठन कर दिया है। फिलहाल के राधाकृष्णन एंट्रिक्स के चेयरमैन हैं। और एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी की रफ्तार जारी है। पश्चिमी देशों में मांग बढ़ने से जनवरी में एक्सपोर्ट 32.5% बढ़कर $2,060 करोड़ हो गया है। इसी के साथ 2010-11 के शुरुआती 10 महीनों में एक्सपोर्ट्स में करीब 29% की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य सचिव राहुल खुलर के मुताबिक एक्सपोर्ट में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। खुलर ने फरवरी में $20,000 करोड़ एक्सपोर्ट लक्ष्य पार करने की उम्मीद जताई है। जनवरी के इम्पोर्ट में करीब 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खुलर के मुताबिक जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। We have been 20.6 billion cumulative April to January, 184.6 billion imports
cumulative, and these are estimates or guesstimates because the accurate numbers are still not coming, are 273.6, which means the balance of trade on merchandise is a deficit of $89 billion. और विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर एक भारी भूल की है। कृष्णा पूरे 3 मिनट तक पुर्तगाल के विदेश मंत्री का भाषण पढ़ते रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुरक्षा और विकास पर बहस के दौरान भारतीय विदेश मंत्री पुर्तगाल के विदेश मंत्री का भाषण पढ़ गए। खास बात यह है कि उन्हें एक बार भी ध्यान नहीं आया कि वो क्या पढ़ रहे हैं। हालांकि भाषण की शुरुआती लाइनों से साफ है कि वो गलत भाषण पढ़ रहे हैं। कृष्णा तभी रुके जब संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें रोका। और यूटीआई म्यूचुअल फंड के चेयरमैन यूके सिन्हा का कहना है कि वो कंपनी के काम से संतुष्ट है। यूके सिन्हा के मुताबिक यूटीआई म्यूचुअल फंड की स्कीम्स आम लोगों तक पहुंची हैं, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन में कंपनी का योगदान बढ़ा है। I think I am very satisfied with what we have done in UTI, and we have been able to restore the trust and confidence of the investor public. We are also very happy that we have been able to implement some schemes which goes to the bottom of the pyramid, so that the benefits of the economic growth of the country are reaching out to smaller people. और मंदी में ग्रोथ की नई कहानी लिखने वाले FMCG सेक्टर भी बजट में सरकार से रियायतें चाहता है। 1300 करोड़ डॉलर की FMCG इंडस्ट्री की मांग है कि सरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जल्द से जल्द लागू करे। इंडस्ट्री ये भी चाहती है कि सरकार महंगाई पर काबू पाए और पैकेजिंग मटेरियल पर ड्यूटी घटाए। साबुन और टूथपेस्ट से लेकर खाने पीने की तमाम चीजों की जरूरतों को पूरा करने वाला FMCG सेक्टर बजट से काफी आस लगाए बैठा है। सेक्टर की मांग है कि सरकार पैकेजिंग मटेरियल पर लगने वाली 8% एक्साइज ड्यूटी को कम करे। इसके साथ ही इंपोर्ट होने वाले खाने पीने के कच्चे माल और तैयार प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी की दर समान होनी चाहिए। FMCG इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार को जल्द से जल्द गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। कोई भी कॉम्प्रोमाइज करके स्टेट्स के साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर GST का जल्द से जल्द इंट्रोडक्शन कर सके तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। महंगाई दर में हो रही बढ़ोतरी आम लोगों के साथ साथ FMCG सेक्टर का दर्द भी बढ़ा रही है। इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार महंगाई की दर को काबू में करने के लिए भी कदम उठाए, जिससे कंपनियों का इनपुट कॉस्ट कम होगा, साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इंडस्ट्री ने सरकार से ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च बढ़ाने की भी मांग की है। जो जो कैटेगरी आम जनता यूज करती है दे शुड नॉट बी बर्डन विद टैक्सेस, और उसकी वजह से कैटेगरीज लाइक बिस्किट्स है, कॉन्फेक्शनरी और ये सब चीजों को लोअर GST स्लैब के अंदर उन्हें स्लॉट करना चाहिए। फिलहाल FMCG सेक्टर सालाना करीब 10% की दर से ग्रोथ कर रहा है, पर बेकाबू महंगाई इंडस्ट्री की इस ग्रोथ पर ब्रेक लगा सकती है। महंगाई की मार झेल रही FMCG कंपनियां आस लगाए हुए है कि सरकार इस बार बजट में उनकी कुछ मांगों को जरूर पूरा करे, ताकि न सिर्फ कंपनियां बल्कि ग्राहकों को भी थोड़ी राहत की सांस मिले। निखिल मेहता, जी बिजनेस, मुंबई। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बड़े बड़े स्टील और कोल प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। पॉलिसी में सफाई नहीं होने और सरकार के ढीले रवैये की वजह से वेदांता, टाटा स्टील और ArcelorMittal को स्टील प्लांट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इंडस्ट्री को इस बार बजट में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से स्पष्ट पॉलिसी की उम्मीद है। दुनिया की दो सबसे बड़ी स्टील कंपनियां पॉस्को और